हेलो जी, राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं आ गई हूँ मंदिर, आज है मंगलवार, हनुमान जी से मिलने उनका आशीर्वाद लेने आ गई हूँ। अरे भाई, मेरे तो ना कभी दिमाग से ही निकल गया था एक बार तो कि आज मंगलवार है, पर एकदम था ना दिमाग में आ जाया चीज़ कि आज मंगलवार है। फिर मैंने फ़ोन में चेक करा, मैं मंडे सोच रही थी, फिर देखा तो ट्यूसडे, फिर तो के था। पहले मैं पहुंची हनुमान मंदिर, ये देखो दर्शन करो हनुमान जी के। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी से प्रार्थना है कि हनुमान जी प्लीज़ अपना साथ, अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना और मेरे सब्सक्राइबर्स पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। गाइज, अभी मैं खड़ी हूँ लाइन में दर्शन के लिए, मेरा नंबर आने वाला है और बस नंबर आ गया। अभी मैंने भोग लगाने के लिए प्रसाद दे दिया पंडित जी को, उन्होंने भोग लगा दिया है हनुमान जी को। जय श्री राम। ये है सामने ही श्री राम दरबार, दर्शन करिए आप सभी भी राम परिवार का। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये देखो, है ना प्यारा सा मंदिर। अब मैंने यहाँ भी दर्शन कर लिए हैं, अब मैं जोत लगा रही हूँ, जोत लगा के आरती उतारूँगी, आरती करूँगी हनुमान जी की। और ये अच्छे से दर्शन कर लो भाई, हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा हम पर, सब कुछ बिल्कुल ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए हमें, हनुमान जी से ही प्रार्थना है। और अपना साथ, अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना। अब मैं पढ़ रही हूँ हनुमान चालीसा, जो कि पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, मैं जब जाती हूँ मंगलवार को तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ ली, आरती कर ली, अब हनुमान जी के दर्शन के बाद माता रानी के दर्शन करूँगी, आपको भी दर्शन कराऊँगी माता रानी के। जय माता दी। यहाँ पे देखो ये लाइट चेंज होती रहती है ना, तो बहुत सुंदर लगता है दरबार में, तो कई बार ना बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ यहाँ पे, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनमोहक बोल सकते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून तो मिलता ही है भाई मंदिर जाके। देखो जो मंदिर जाते हैं, जो भगवान को मानते हैं बहुत, वो तो ये चीज़ फील कर सकते हैं कि मंदिर जाके जो सुकून मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। बाकी भाई जो इतना ना मानते उनकी तो बात अलग है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और भाई अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, जल्दी जल्दी दर्शन करवा रही हूँ आप लोगों को भी, भगवान जी के, सभी देवी देवताओं के। और ये मंदिर मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से मैंने पूरा मंदिर दिखाया हुआ है। तो अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप वो व्लॉग जाकर देख लीजिएगा, पिछले व्लॉग्स हमारे। और ये है शिव मंदिर, भोलेनाथ जी कृपा करना, कृपा बनाए रखना हम पर, हर हर महादेव। अच्छा, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन कौन मंदिर जाते हैं, कौन कौन डेली जाता है या हफ्ते में एक बार दो बार, ऐसे होता ना, कोई कोई हर मंडे जाता है, कोई हर ट्यूसडे जाता है, कोई डेली भी जाता है, कोई सुबह 4-5 बजे ही चला जाता है, रोज़ रूटीन किसी किसी का, ऐसा भी मैंने सुना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं भी देखूँ कि कितने बाबा के, माता रानी के, भोलेनाथ जी के भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, हमारे चैनल पे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबको खुश रखना, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सबको खुश रखना। ये वो गेट है भाई, ये जो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि माता रानी का ये जो मंदिर है, यहाँ पे एंट्रेंस बंद था पिछली बार जब मैं गई थी मंदिर, तो इस बार खुला हुआ था, तो माता रानी के भी दर्शन हो गए। फिर यहाँ से मैंने दिखाया था पिछली बार, दर्शन कीजिए आप सभी भी। और यहाँ पे विश मांगते हैं, मैंने भी विश मांगी है, देखते हैं कि कब पूरी होगी, भगवान करें कि जल्दी ही पूरी हो जाए, प्लीज़ भगवान जी जल्दी विश पूरी कर देना मेरी। तो विश मांग ली मैंने यहाँ, ये माँ गायत्री देवी जी का मंदिर है। अब
मैं दिखाऊंगी आपको शनि देव जी की पूजा होती है जहाँ पे, और पीपल का पेड़ है ये, तो यहाँ पे भी लास्ट में फिर जोत लगाते हैं। जय शनि देव महाराज जी की। तो आज के व्लॉग में गाइस बस इतना ही। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे, सब पर कृपा बनी रहे भगवान जी की, मेरी यही प्रार्थना है भगवान से। और वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए राम राम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, जय श्री श्याम जी, जय माता दी, हर हर महादेव। एक जयकारा लगा दो भाई सारे कमेंट्स में, बोलो साचे दरबार की जय।